नमस्कार दोस्तों, अवरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक थाने की जमीन पर बनी कब्र के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 11 साल पहले मजार बनाने वाले पूर्व अकाउंटेंट मोहम्मद सईद को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सईद पर समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान दस्तावेजों में हेर फेर करने और फर्जी कागजी कार्रवाई तैयार करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार सईद की संलिप्तता 2013 में एक जांच के दौरान सामने आई थी, जब सादुल्ला नगर पुलिस स्टेशन की जमीन पर अवैध कब्जा करने और एक मकबरे के निर्माण के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। सईद ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज हासिल करने और सरकारी कागजात में हेराफेरी करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। गिरफ्तारी के बाद सईद को अदालत में पेश किया गया और बाद में हिरासत में भेज दिया गया। सईद की गिरफ्तारी से पहले मारूफ अनबर हाशमी को भी बलरामपुर पुलिस ने पकड़ा था। अवैध रूप से निर्मित मकबरे की देखभाल करने वाले मारूफ को 1 अप्रैल 2024 को FIR दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वह समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के भाई हैं, जो अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2013 में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी ने पुलिस को धमकी देकर अवैध तरीके से पुलिस स्टेशन की जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस स्थल पर मजार शरीफ शहीद ए मिल्लत अब्दुल कद्दूस शाह रहमतुल्लाह अलैह नाम से एक स्थायी कब्र का निर्माण किया गया था, जबकि इस जमीन का इस्तेमाल जवानों के लिए बैरक बनाने में होना था। यह मामला विभिन्न कारणों से लंबे समय तक अदालत में लंबित रहा। हालांकि बलरामपुर के वर्तमान पुलिस अधीक्षक IPS केशव कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया और अपने अधीनस्थों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नतीजन सईद और मारूफ सहित सभी आरोपियों पर IPC की धारा 420, 468, 120B, 186, 434, 467 और 471 के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अधिनियम के तहत एक्शन हुआ है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।